नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे UPPCS कट ऑफ 2021। जैसा कि आप जानते हैं कि आज पेपर हो चुका है, पेपर का लेवल जो था बिल्कुल बहुत बढ़िया था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी जानकारी मिल सके। आज हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में, कितनी एक अनुमानित कट ऑफ रह सकती है। इतने क्वेश्चन आपके सही हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन सही हैं, तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं, मेंस के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी की। अगर जनरल कैटेगरी में अगर आपके 95 से 98 काट कर क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं। हालांकि 95 से ज़्यादा कट ऑफ जाने की संभावना नहीं है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके अगर 95 सही है तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं। वहीं OBC और जनरल ज़्यादा अंतर नहीं पाया जाता है। OBC में अगर आपके 90 से 92 सही हैं तो आप भी अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं। 90 से 92 के बीच में अगर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस ठीक है तो आप बिल्कुल अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। वहीं अगर हम SC कैटेगरी की बात करते हैं तो 82 से 85 के बीच में अगर आप बन रहे हैं तो आप बिल्कुल अपने आप को भी सेफ समझ सकते हैं। इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने की संभावना नहीं है। वहीं अगर हम ST कैटेगरी की बात करते हैं तो 78 से 82 ज़्यादा हो गया, 75 से 78 के बीच में अगर आपके हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल यहाँ पर भी सेफ समझ सकते हैं। आप मेंस के लिए लग जाइए क्योंकि इस बार कैंडिडेट ज़्यादा बुलाए गए हैं मेंस के लिए। EWS की बात करें तो EWS में 88 से अगर 90 के बीच में हैं तो आप अपने आप को यहाँ पर भी EWS वाले भी अपने आप को बिल्कुल यहाँ सेफ समझ सकते हैं, अगर आपके इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन ठीक हैं तो। वहीं अगर हम बात करते हैं फीमेल कैटेगरी की, फीमेल में 85 से लेकर के 90 के बीच में अगर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन ठीक है तो आप अपने आप को बिल्कुल यहाँ सेफ समझ सकते हैं। इतने नंबर पर आपका सिलेक्शन मेंस के लिए हो जाएगा। यहाँ पर ये एक अनुमानित कट ऑफ है, यहाँ पर आप -5 और कम कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा हुआ तो +1 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। नंबर आपके 5 कुछ और कम हो सकते हैं, अगर आप इसके आसपास हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं। धन्यवाद।